ब्रह्मास्त्र, डायरेक्टर अयान मुखर्जी की 10 साल से बन रही है पिक्चर अभी कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है और हम सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ये हिट होंगी या फिर ये भी बाकी सारी मूवीज की तरह फ्लॉप हो जाएंगी। वेल, अगर आप नोटिस करोगे तो अपने इंडियन सिनेमा में और खासकर अपने हिंदी सिनेमा में एक्सपेरिमेंट मूवीज में देखने के लिए मिलता ही नहीं है, बस रीमेक ही मिलते हैं। और इस साल कुछ मूवीज भी आई जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्राई किया, जैसे कि अटैक और ढाकड़। वेल, अटैक की बात करें तो अटैक का ट्रेलर ऐसा था कि लोगों को लगने लगा था कि भाई ये मूवी होंगी जो बॉलीवुड को रिवाइव करेंगी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब मूवी रिलीज हुई तो मूवी में एक्शन अच्छा था लेकिन मूवी की स्टोरी ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आई और वही हुआ ढाकड़ के साथ। वेल, अब उन दोनों मूवीज के बाद ब्रह्मास्त्र एक ऐसी मूवी जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्राई कर रही है और अगर ये मूवी हिट हो गई तो भाई अपने इंडियन सिनेमा में भी लोग सुपर हीरो जॉनर से लेके मूवीज बनाएंगे। वेल, अगर 10 मूवी बनेंगी तो 10 में से 8 नहीं चली तो कम से कम 2 तो चलेंगी। प्रोड्यूसर में हिम्मत तो आएंगी कि भाई रीमेक की जगह कुछ अलग ट्राई करते हैं, किसी और जगह पैसा लगाते हैं। और अब बात करें ब्रह्मास्त्र की तो ब्रह्मास्त्र ने अभी तक जितने भी ट्रेलर और टीजर रिलीज की गए वो बढ़िया है, उनमें VFX एक जगह पे भी डिसअपॉइंट नहीं करते। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिससे ऐसा लगता है कि ये मूवी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये मूवी की कहानी 10 साल पहले से चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल पुरानी वाइब मिले हमें इस मूवी में। लेकिन फिर भी मुझे डायरेक्टर अयान मुखर्जी पे भरोसा है, भाई उन्होंने अपने 10 साल दिए इस मूवी को और उन्होंने SS राजा मुरली, विजेंद्र प्रसाद इन लोगों से सजेशंस भी लिए हैं कि मूवी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अभी ब्रह्मास्त्र की टीम साउथ में प्रमोशन कर रही है अपने, और मैंने अभी बुक माई शो चेक किया है, वहाँ पे आधे से ज्यादा शोज तो अभी तक बुक भी हो चुके हैं, क्योंकि भाई लोग रणवीर के लिए नहीं जा रहे मूवी देखने, आर्या के लिए नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए कि भाई कुछ नवा तो देखने के लिए मिले कम से कम। वेल, लेकिन अब जो भी पता चलेगा वो तो 9 सितंबर को ही पता चलेगा जब मूवी रिलीज होंगी। लेकिन एक बात तो है, मूवी फर्स्ट डे तो भाई बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाली है और बाकी अगले दिन का डिपेंड करेगा मूवी की स्टोरी पे। वेल, तुम्हारे क्या ओपिनियन से कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।